Pedro wants justice. King of Wands. Okay. बॉटम में आया है थ्री ऑफ कप्स. आपकी एनर्जी मुझे काफी पॉजिटिव लग रही है, कोई भी निगेटिव चीज मुझे नहीं नजर आ रही है. आपका मतलब आप बहुत फोकस्ड पर्सन बन गए हैं. अभी तक अगर आपका माइंड डाइवर्ट रहता था, आपको समझ में नहीं आता था कि क्या करना चाहिए लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, आप कई बार माइंड आपका डाइवर्टेड ही रहता था, बट आपका फोकस हो गया. देखिए यहाँ पे भी आप एक ही बॉन्ड को लिए हुए हैं, यहाँ भी आप एक ही बॉन्ड को लिए हुए हैं, मतलब आप फोकस्ड हो गए हैं. अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो एक ही पर्सन, आपका जो पार्टनर है आप उसी से कमिटमेंट चाहते हैं, आप अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर रहे. आप जस्टिस चाहते हैं तो अपने पर्सन से ही जस्टिस चाहते हैं, ठीक है. बहुत फोकस्ड वे में अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं. देखिए जो पर्सन फोकस्ड रहता है ना, वही सारी चीजें हैप्पीनेस को साइड लेके जाती है उसको. और मुझे लग रहा है इस वीक में आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट हो सकते हैं. मे बी आप काफी टाइम से किसी फ्रेंड से मिले हुए नहीं है, तो उनसे भी मिलने की प्लानिंग कर सकते हैं, या अपने पार्टनर के साथ कहीं आप चिल आउट कर सकते हैं, है ना. तो बहुत हैप्पीनेस टाइप की एनर्जी इस वीक में निकल के आ रही है. या तो आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा होगा तो आपको इस वीक में जस्टिस मिल सकता है, उससे रिलेटेड भी आपको हैप्पीनेस हो सकती है, ठीक है. तो आपकी बहुत ही मुझे पॉजिटिव एंड फोकस्ड एनर्जी लग रही है. अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करना चाहूंगी कि वो किस मोड में है इस वीक में, उनकी एनर्जी क्या है. अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि भाई आपको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या इस वे में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने पाथ से अब डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि आप काफी फोकस्ड हो चुके हैं पेज ऑफ वॉन्स और किंग ऑफ वॉन्स के साथ. आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट एंड बॉटम में आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स. आपके पार्टनर का फोकस आप पे भी है, आपके साइड वो एक्शन लेके आना चाहते हैं, और पेंटिकल पे भी उनका फोकस है. यहां मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं. आपको इस वीक में कोई जस्टिस मिल सकता है. आपको वो जस्टिस देने के बारे में काफी सोच रहे हैं. फोर ऑफ सॉर्ड के साथ वो प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि आपके साइड एक्शन लेके कैसे जाया जाए. एक साइड उनका फोकस पेंटिकल पे है तो एक साइड उनका फोकस आप पे है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ. तो बस वो प्लानिंग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं. आपको वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे वो कम्युनिकेट हों, आपसे वो वापस से कनेक्ट हो जाएं. लेकिन वो आपसे कनेक्ट कब होंगे, जब उनके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, उनके थॉट्स में क्लैरिटी आ जाएगी. तो थॉट्स में क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा थिंकिंग मोड में जा रहे हैं. तो आपके पास कम्युनिकेशन इंस्टेंट ना आके थोड़ा सा टाइम लग सकता है मे बी, बट इस वीक में एंडिंग तक आप कोई कम्युनिकेशन देख सकते हैं. और मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है. और ट्विन फ्लेम के साथ ये थोड़ी सी सिचुएशन अराइज हो ही जाती है, जब उनका डिवाइन टाइमिंग आता है तभी वो अपने पार्टनर से कनेक्ट हो पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो आपके लिए पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन कितना भी आप पेशेंस रख लें आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा आपके पार्टनर के साइड से, ठीक है. तो जब आपको पेशेंस रखने की बारी आती है ना, तो लोग रख नहीं पाते हैं पेशेंस, उनको तो बस इंस्टेंट चाहिए. मे बी आपका भी नेचर ऐसा हो सकता है, आपको तो इसी वक्त चाहिए आपका जस्टिस, है ना, ऐसा नहीं होता है. और देखते हैं कि आपके साइड वो एक्शन किस वे में लेके आ सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके साइड. हर्मिट में कह ही रही हूँ, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, थिंकिंग मोड में जा रहे हैं. मे बी उनने आपके साथ कुछ अगर गलत किया हुआ है तो उनको उस चीज का रिग्रेट है, तो उस चीज को लेके भी बहुत ज्यादा थिंकिंग मोड में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, वो रिग्रेट है उन्हें बहुत ज्यादा. मे बी उन्होंने फिलहाल में ही मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, तो वो इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा गाइडेड लग रहे हैं, तभी वो आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं. वरना इंसान में इतना तो वो होता ही नहीं है. अगर वो किसी के साथ गलत करे तो बहुत रेयरी है कि उसको लगता है कि हाँ उसने कुछ गलत किया है. जब तक भगवान उनको रियलाइज ना करा दे या यूनिवर्स का इंटरवेंशन ना हो, तब तक इंसान को भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है. यही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है. अभी तक अगर उनको गलतियों का एहसास नहीं था ना, तो
यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, भगवान ने स्पिरिचुअलिटी से ये कनेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ है कि इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत था, इस वजह से आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, कह रही हूं अभी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है किस वे में आपके साइड एक्शन लेना चाहिए, किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपके साइड ही बढ़ना चाहते हैं, मैरिज ऑफर, कमिटमेंट ऑफर, सब कुछ आपको देना चाहते हैं, बट स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं। इस वजह से उन्होंने, इस स्टक होने की वजह से उन्होंने एक पाथ चूज किया है मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का। जैसे ही वो यहां से निकलेंगे सीधे आपके साइड एक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि आपको इस वीक में क्या गाइडेंस फॉलो करना है और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आप दोनों की सिचुएशन को लेके। और मैं बीच में बता ही चुकी हूँ यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, भगवान का इंटरवेंशन है, तभी ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं, वरना ये थिंकिंग मोड में ही थे, फोर ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टक हो गए थे। बट यहाँ इंटरवेंशन है तो यूनिवर्स का है, भगवान का है, वही इनको गाइड कर रहे हैं, तभी आपके साइड आ रहे हैं एक्शन लेने के। ओके, अब जब आपके पर्सन इतने ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए तो बताइए आप क्यों पीछे हैं? आपको तो और पहले स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाना चाहिए, भगवान से कनेक्ट हो जाना चाहिए। अभी तक अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हैं तो मैं तो बोलूंगी कनेक्ट होइए भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए। आपकी डिवाइन टाइमिंग अगर डिले हो रही है तो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, एफर्ट्स दोनों साइड से लगने चाहिए। अगर एक साइड से एफर्ट्स लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर दोनों एफर्ट्स लगाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है तो आप भी जल्द से जल्द स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम में आया है डेथ। आपके लिए सिंपल सा गाइडेंस है, अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, डिवाइन टाइमिंग उतने जल्दी आएगी। और मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ आपकी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है, मेजर ट्रांजिशन आप इस वीक में देख सकते हैं डेथ कार्ड के साथ। बस आप पेशेंस रखिए, भगवान से कनेक्ट हुई, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। बस आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रांग करना है, आपके कप, आपका जो कप है वो फुल होगा। अगर आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड मुझे लग रहा है, कुछ थॉट्स वेव्स की तरह उठते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आपके माइंड में थॉट्स उठते होंगे। एक पल में आपको लगता होगा कि यार पूरे नेगेटिव चीजें चल रही हैं, एक पल में आपको लगता होगा कि यार नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। अगर आपके थॉट्स इस टाइप के हैं तो उनमें स्टेबिलिटी लेके आइए। तो बस आपको यही गाइडेंस है कि आप अपने माइंड में स्टेबिलिटी लेके आइए, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन टाइमिंग अपने समय से काम करेगी, मेजर ट्रांजिशन आप देख सकते हो इस वीक में। और अगर आप इस वीक में कुछ रियलाइज कर सकते हो, ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आ जाएगा, ये नहीं कह रही मैं, बट ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो काफी अच्छी रीडिंग निकल के आई है, पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है।